हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग तो आप बहुत बार करते होगे। क्या आपको खुद के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल करने हैं? आपका छोटा सा बिजनेस है या फिर छोटा सा दुकान है, छोटा सा शॉप है और आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, वो आपको फ्लिपकार्ट पे सेल करने हैं? आप सही वीडियो पे आओगे। आपको मैं पूरी तरह से गाइड करूँगा कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं आपको पता चलेगा और आप अपना इजीली अकाउंट बना के खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट की सर्विस इस तरह से, अगर आप लोगों को वो ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर सेंड करना है, तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट कोई भी कुरियर पार्टनर के साथ उनकी पार्टनरशिप है। वो कुरियर पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे प्रोडक्ट पिक करके वो जिसने ऑर्डर डाला है उसके एड्रेस पे भी डिलीवर करवाए, ऐसी भी फैसिलिटी है। अदरवाइज आप लोगों को खुद के हैंड से भी वो प्रोडक्ट सेंड करने का ऑप्शन रहता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तभी भी आप सेलिंग कर सकते हो, पर किस तरह से वो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा और कौन से प्रोडक्ट, वहाँ पे प्रोडक्ट का क्राइटेरिया कुछ अलग है। और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ पेमेंट आएगा उसका आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट ज़रूरी है, तो बैंक अकाउंट का आप लोगों को उनके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स के साथ साथ आपको एक कैंसिल चेक करना होता है। कैंसिल चेक क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कुछ आपका चेकबुक है वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड होता है, वहाँ पे कैंसिल चेक इसे कहते हैं। चेक पे दो लाइन मारी जाती है और बीच में कैंसिल लिखा जाता है, तो वो हो जाता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक इसलिए लिया जाता है कि आप खुद अकाउंट होल्डर हो, उससे फ्लिपकार्ट को या उस कंपनी को पता चले। दूसरी बात, आपके पास होना चाहिए एक पैन कार्ड। अगर आप कंपनी के थ्रू सेलिंग कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, तो वो बिजनेस का पैन कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अगर अदरवाइज आप सेल्फ सेंड कर रहे हो तो सेल्फ आपका खुद का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मोस्टली कैंसिल चेक तो कंपलसरी है, अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है और बैंक स्टेटमेंट पे वहाँ पे साफ साफ आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना ज़रूरी है, तभी भी चलेगा। पर मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि कैंसिल चेक ही दीजिए। तो आप अकाउंट किस तरह से बना सकते हो सेलर के लिए, बस इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप अकाउंट इस तरह से बना सकते हो, आपको फ्लिपकार्ट पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो वहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल देके, आपकी बिजनेस डिटेल, आपका लोकेशन, आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट को मतलब वो बंदा कहाँ से पिक करेगा आपका प्रोडक्ट, तो लोकेशन के साथ आपकी सारी डिटेल्स होने के बाद एक आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा। वहाँ पे जीएसटी नंबर, पैन डिटेल्स और आपका आईडी प्रूफ अपलोड होने के बाद आपका एक अकाउंट बनेगा। आपका प्रोफाइल 100% बनने के बाद आप लोगों को वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद वहाँ पे क्यूसी में चला जाता है। क्यूसी क्या होता है, क्वालिटी चेक बोल सकते हैं आप वहाँ पे। वो रैंडमली उनके ऑफिसर वहाँ पे वो सारी डिटेल देखेंगे, जो कुछ आपने डाली वो सही है या नहीं देखेंगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग आनी चाहिए, उसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हो। प्रोडक्ट एक बार लिस्ट हो गया तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट आपका वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे शो हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पे विजिट, सॉरी फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट सर्च करेगा और आपके प्रोडक्ट को शॉप करना चाहेगा तो शॉप करेगा। उसके बाद उसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, वो ऑर्डर आप उसी तरह से आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको मेल के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, ऑफिशियल उनका सेलर हेल्पलाइन नंबर और सेलर हेल्पलाइन मेल आईडी आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर हो तो आप इजीली बना सकते हो। अदरवाइज मैंने बोला था जीएसटी नंबर नहीं है तो भाई आप मतलब वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, पर जीएसटी नंबर नहीं होगा तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बस बुक सेल कर सकते हो आप। बुक सेल करने के लिए जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आप अपना फ्लिपकार्ट का एक सेलर अकाउंट बना सकते हो, एक सेलर प्रोफाइल बना सकते हो और ईजिली आपके पास जो कुछ भी प्रोडक्ट है आपके शॉप में है, आपके शॉप का ग्रोथ कर सकते हो, आपके बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो और आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो। और आपकी जो कुछ ऑफलाइन के पावर है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट करके आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने। इससे क्या होगा, इससे आपका ही बेनिफिट है। मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो कि लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। इससे मैं भी मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।